गाज़ा अनफॉर्चुनेटली चलते चलते हमारी जो बुलेट है वो ब्रेक डाउन हो गए एंड इसके चक्कर में हम यहीं पे रुके हुए हैं। अब ये देख सकते हैं, मेरा फ्रेंड गया है पंक्चर बनवाने और मैं हूँ रास्ते में। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अब मैं फाइनली पहुँचा हूँ वैष्णो देवी की स्टार्टिंग पॉइंट में एंड मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन दूँ किस तरह से यहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। और आज मैं आधे सफ़र जो है मैं तय करूँगा एंड उसके बाद से कल हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज मुझे रात को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ बना रहिए एंड जय माता दी। गाइज ये है आपका वैष्णो देवी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड मैं आपको कल सुबह सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाऊंगा क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे आधे सफ़र तय करनी है एंड हमें जाना है उस तरफ। आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आपको ऊपर को जाने को मिलता है। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे आपका लगेज चेक होगा। पौड़ी चढ़ दे जाओ, जय माता दी कर दे जाओ। गाइस हमने फाइनली सिक्योरिटी चेक कर लिया है पहला एंड हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कोई कोरोना की चेकिंग कुछ नहीं हुआ। बट जो बाहर से जम्मू कश्मीर से जो बाहर से आते हैं वो हो सके तो अपना 48 आवर्स की जो कोरोना टेस्ट है जो भी हो वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आइए। और ये ऊपर जो जा रही है आपका पुराना मार्ग और ये जो मार्ग आप देख रहे हो ये है ताराकोट मार्ग जो आपका नया मार्ग बना हुआ है जो 2 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है। बस यहाँ एडवांटेज ये कि आपको यहाँ घोड़ा या कोई दूसरी चीज़ों की आपको बंदोबस्त नहीं होगी एंड इस नए मार्ग में कोई घोड़ा के यूज़ नहीं होते यहाँ पे एंड आप इसी नया मार्ग के सामने जस्ट लेफ्ट साइड में आपको देख पोजिशन लंगर। बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे हैं तो आप यहाँ से जाके खा सकते हो। गाइस फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू टेक द ओल्ड मार्ग एंड हम ओल्ड मार्ग की तरफ चल रहे हैं। गाइस ये है आपका वाण गंगा के लिए जो रास्ता नीचे को जाता है। ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत दूर नहीं है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये पानी ये स्नान घाट भी है और इसको बाण गंगा बोलते हैं। बाण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि माता रानी ने अपने बाण से ये गंगा निकाली हुई है तभी इसका नाम बाण गंगा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जैसे कि आपको यहाँ पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है नहीं तो हम स्नान ज़रूर करते हैं। बिलियान भाई ने जैसे अभी फेस पे थोड़ा सा टच करवाया है। तो आपको स्टोरी थोड़ी सी बता दूँ, माता रानी ने अपने बाण से यहाँ पे गंगा निकाली थी और अपने बाल भी यहाँ धोए हैं और उसके बाद जो हनुमान जी है उनको जो उन्होंने अपनी प्यास यहाँ से ही बुझाई थी यही पानी पी के तो तभी इसका नाम बाण गंगा है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी है। तो आप लोग अगर बाण गंगा आ रहे हो तो यहाँ पे मुंडन वगैरह भी होते हैं, अगर आपने कोई सुखन वगैरह की हुई है तो आप आके यहाँ पे मुंडन भी करवा सकते हैं। तो यही था बाण गंगा, यहाँ पे आप स्नान करके आगे की अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ कोरोना के लोगों को कोई टेंशन नहीं है, मन मर्जी चल रहे हैं, नो कोरोना टेस्ट। एंड दूसरी बात यहाँ कोई लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क भी पहन के नहीं जा रहे, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशन के लिए मास्क अपने साथ लगा रखना ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो या किसी को हमारी वजह से दिक्कत ना हो। गाइस और मैंने घोड़े के लिए पूछा था तो ये बता रहे कि अगर पूरा ऊपर तक जाना हो तो आपको लगेगा 1150 रुपीस एंड आप हाफ वे तक जाओगे तो आपको लगेगा 650। आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी शॉप्स बंद हैं ये कोरोना की वजह से, काफ़ी देख सकते हो काफ़ी जगह दुकानें खुली हुई है और यह है रात के कम से कम 9 बजे। गाइस हम कल चलेंगे वहाँ ऊपर सबसे ऊपर दर्शन के लिए, काफ़ी रात के 9 बज चुके हैं एंड अभी भी यहाँ पे ऐसी हलचल है, नो मास्क नथिंग। गए
गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे आपका पालिका पिट्ठू और घोड़े जो होते हैं वो प्रीपेड में भी मिलते हैं, तो आप जब नीचे से शुरुआत करोगे तो आपको वहाँ प्राइवेट भी बहुत सारे मिलेंगे, आप उसको निगोशिएशन कर सकते हो और कितना निगोशिएट कर पाओगे वो आपके ऊपर है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको ना काफ़ी चीज़ें प्रीपेड में भी मिलेंगे, ऐसे इस तरह के बूट्स बने होंगे तो आप उसको देख के पढ़ के आप यहाँ से भी टिकट करवा सकते हो। तो आपके पास कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स हो प्लीज इसके अंदर डालो। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे बढ़िया फैसिलिटीज दी गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से। मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी यहाँ आओगे तो आप एक खाली बोतल भी लेके आओ और यहीं से पानी भर लेना, आपको खरीदने के बाहर से पानी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस अब बज चुका है रात के 11 बजे एंड मैं अभी भी वॉक कर रहा हूँ एंड मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ आपको खाने पीने के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप इतने दूर आए हो तो अपने घर से क्या खाने लेके आना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हैं, आप आराम से अपने खाने यहाँ से खरीद के खा सकते हो। गाइस आपको अगर ऊपर चढ़ते वक्त हेल्थ इश्यूज आ जाए तो आप अर्थक्वारी में डिस्पेंसरी में भी जा सकते हो। तो फाइनली रूम जैसा कि मिल चुका है और 100 रुपीज़ आपने जमा करवाने होते हैं और जैसे कि हम अर्थक्वारी पहुंच चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा हो, तो अब रूम की तरफ जा रहे हैं आज। गाइस सो फाइनली मैं अर्थक्वारी जो जिसको आप गर्भ जून के नाम से भी जानते हैं उस गुफा के पास में पहुंच गया हूं एंड मेरे आज की स्टे यहीं पे होगी एंड दैट इज़ द रीज़न। अब रात की 12 बज चुके हैं, हमने ये भी चेक किया है कि जो आपका गर्भ जून गुफा है वो अभी क्लोज है, तो आपको यहाँ देखना हो तो आपको ये क्लोज मिलेगा एंड अभी उनके पास कोई आंसर नहीं है कि एग्जैक्टली कब ये दोबारा खोलेगा, तो इस बात का ध्यान में रखना। गाइस फाइनली मैं अपना रूम में पहुंच चुका हूं और ये जो आप रूम देख रहे हो ये है श्राइन बोर्ड की तरफ से रूम एंड इसके लिए आपको एडवांस में रिजर्वेशन करनी होती है एंड डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, कोई पक्के नहीं है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको मिल जाएंगे भी। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, सो आई ट्राई टू स्लीप फॉर लाइक मे बी 1 or 2 hours बट आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ एंड एट द सेम टाइम सोच रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं ऊपर। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूं, मैं अब यहां से निकलूंगा एंड मेरी अपनी जो सफ़र है वो कंटिन्यू करूंगा। कल हम यहां पहुंचे थे करीब 12 बजे रात को। गाइस ये रहा यहां का ब्यूटीफुल नज़ारा सुबह की, आप एक बार देख सकते हो ऐसे, वो रहा आपका कटरा। सो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ भवन की ओर एंड आप लोगों से वहाँ मिलता हूँ। गाइस सो आई टोल्ड यू दैट लास्ट नाइट आई स्टेड इन अर्थक्वारी इन अ भवन एंड मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि आई थिंक वन शुड स्टे इन कटरा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको चढ़ाई करो फिर आप यहाँ पे ठहरो फिर आगे कंटिन्यू करो, इट डजंट मेक सेंस टू बी। इससे अच्छा आप एक रात कटरा में आराम से वेट करो एंड उसके बाद से अपनी जो यात्रा है उसको आप शुरू करो ताकि आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ एंड दोपहर या शाम तक आप आराम से अपने होटल में वापस पहुँच जाओ। इसीलिए फाइनली गाइस देवी द्वार के पास पहुंच चुके हैं और ऊपर की तरफ और चढ़ाई कर रहे हैं अभी। फाइनली काफी देर चलने के बाद भवन के पास पहुंच चुका हूं और यहां से 600 से 700 मीटर दूरी पर आप भवन देख सकते हो।
फाइनली मैं भवन के पास पहुंच चुका हूं और मैं आपको आगे की ओर दिखाता हूं। शॉप है, लॉकर बना हुआ है तो आप। गाइस फाइनली दर्शन हो चुका है एंड यहां आपको फ्री लॉकर मिल जाते हैं दर्शन से पहले, एंड अब हम यहां से चलेंगे भैरव बाबा की तरफ। गाइस टू रीच हियर इन भैरवघाटी आपको 100 रुपये पे करना होता है, आपका गोंडोला चलती है यहाँ पर। सो गाइस दिस इज द फाइनल व्यू ऑफ भैरवघाटी एंड होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय माता दी।